मेरठ के रहने वाले नासा के वैज्ञानिक आरसी त्यागी का सपना था कि वो अपनी पैतृक संपत्ति मेरठ विश्वविद्यालय के नाम कर दें, और उनका ये सपना भी पूरा हो गया, जो छात्रों के लिए बेहद ही फायदेमंद रहेगा। एक वैज्ञानिक की समाज में काफी बड़ी भूमिका मानी जाती है। टेक्नोलॉजी का विकास हो या शोध कार्य, लगातार जीवन को सरल बनाने की दिशा में प्रयास होता है। मेरठ के रहने वाले एक पूर्व वैज्ञानिक ने समाज की भलाई के लिए एक संकल्प लिया था, जो अब जाकर पूरा हुआ है। आरसी त्यागी नासा के पूर्व वैज्ञानिक रह चुके थे। उनके पास मेरठ के बोड़ाना गेट पर 5 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति थी, जिसे वो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को दान करने का फैसला कर चुके थे। ये बात उन्होंने अपने घर वालों को भी बता दी। आरसी त्यागी का साल 2020 में निधन हो गया था। उनके 2 बेटे भी अमेरिका में वैज्ञानिक हैं। उनकी भतीजी ने यूनिवर्सिटी के कुलपति से मुलाकात की और उनके पैतृक आवास को विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी या अध्ययन केंद्र बनाने देने की इच्छा जताई। As being a scientist, he wanted कि उनकी जो प्रॉपर्टी है कोई एकेडमिक पर्पस से यूज होना चाहिए, एंड एक ही बहुत अच्छा थॉट था उनका। उनके 2 बच्चे हैं, पुत्र हैं, जो अमेरिका में सेटल्ड हैं, और उन्होंने हम लोगों को कम्युनिकेट किया कि ये प्रॉपर्टी वो यूनिवर्सिटी को फॉर एकेडमिक पर्पस दान करना चाहते हैं। तो अल्टीमेटली वी टुक इट टू एग्जीक्यूटिव काउंसिल कि द प्रॉपर्टी डोनेटेड टू अस विल बी यूज्ड 100% इन एन एकेडमिक मैनर। तो एक हम लोगों के लिए बड़ी उपलब्धि है। रमेश चंद त्यागी चौधरी चंद सिंह विश्वविद्यालय के फिजिक्स विभाग से भी जुड़े रहे। उन्होंने IIT दिल्ली, पुणे में रक्षा एकेडमी और DRDO में काम किया। उनकी गिनती देश के वरिष्ठ भौतिक वैज्ञानिकों में होती थी। में उनके बच्चों ने इस बात का सम्मान किया, ये बहुत ही बड़ी बात है। और अंततः माननीय कुलपति महोदय से आपकी बात हुई है, उन्होंने इस बात को बड़ा सीरियस लिया, और सीरियस इतना लिया कि उसको एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पास कराया। पास कराने के बाद आपको सबको पता है कि किसी भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन को कोई प्रॉपर्टी लेना एक अपने आप में काम होता है, उसमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं। उन फॉर्मेलिटीज़ को माननीय कुलपति महोदया ने अंततः पूरा करा दिया, और अंततः ऑन पेपर भी अब वो प्रॉपर्टी विश्वविद्यालय के साथ आ गई। आरसी त्यागी ताउम्र विज्ञान के क्षेत्र में शोध करते रहे और समाज को कुछ देने की उनके दिल में ख्वाहिश थी। उनका पैतृक आवास हमेशा उनके योगदान के लिए जाना जाएगा, जिससे कई छात्रों को लाभ होगा। मेरठ से News18 के लिए उमेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बर्फीले पहाड़ों पर स्थित 4 धामों के कपाट बंद हो चुके हैं और डोलियां भी शीतकालीन प्रवास पर पहुंच चुकी हैं। अब अगले 6 महीने यहीं पूजा अर्चना होगी। ऐसे में अब एक बार फिर से मांग उठने लगी है कि सरकार शीतकालीन यात्रा की भी शुरुआत करे। चार धाम यात्रा को उत्तराखंड की लाइफलाइन माना जाता है। हजारों लोगों का रोजगार इससे जुड़ा होता है, लेकिन कपाट बंद होने के साथ ही इन इलाकों में सन्नाटा पसर जाता है। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का कहना है कि कपाट ग्रीष्मकालीन धामों के बंद होते हैं, शीतकालीन प्रवास स्थलों पर तो भगवान विराजमान होते ही हैं, लिहाजा शीतकालीन धामों तक यात्रा जारी रह सकती है। ज्योतिर्मठ में लोग शीतकाल में यात्रा पर आते हैं। इस बार भी 16 दिसंबर से शीतकालीन यात्रा शुरू कर दी जाएगी, लेकिन अगर सरकार इसमें पहल करती है तो इसका बड़े स्तर पर संदेश जाएगा। पट बंद हो गए तो लोग समझते हैं कि अब दर्शन नहीं होगा, पूजा नहीं हो रही है, तो ये भ्रांति है। केवल ग्रीष्मकालीन स्थान पर बंद हुआ है, शीतकालीन स्थान पर डोली आकर के वहां पूजा होती रहती है, वहां दर्शन होता रहता है, पुण्य वही मिलता रहता है। तो ये जो भ्रांति उत्पन्न हो गई है लोगों के मन में कि 6 महीने ही दर्शन पूजन होते हैं बाकी नहीं होते हैं, उसको तोड़ना हमारी यात्रा का उद्देश्य है। सरकारी लेवल पर साल 2011 में भी एक बार शीतकालीन चार धाम यात्रा शुरू करने की पहल की गई थी। चार धाम विकास परिषद के तत्कालीन उपाध्यक्ष सूरत राम नौटियाल चारों धामों के शीतकालीन प्रवास स्थल तक बर्फबारी के बावजूद यात्रियों को ले गए थे, लेकिन सरकार बदलते ही मामला फिर ठंडे बस्ते में चला गया। तो शीतकालीन यात्रा होनी बहुत आवश्यक है, वो यहाँ की रोजी रोटी के लिए भी आवश्यक है। जो तीर्थ यात्री देख नहीं पाते उस समय, उनको भीड़ रहती है, जो वेटेज रहते हैं, वेटिंग में रहते हैं, 10-10 दिन तक नहीं मिलता है, गाड़ियां नहीं मिलती है, होटल नहीं मिलते, उनको भी न वो बाधित होंगे न कहीं उनको रुकना पड़ेगा। शीतकालीन चार धाम यात्रा के 2 पहलू हैं। श्रद्धालु शीतकालीन प्रवास स्थलों पर दर्शन तो करेंगे ही, पहाड़ों पर बर्फबारी का भी आनंद ले सकते हैं। लोगों को रोजगार भी मिलेगा, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं है। उच्च हिमालय के इन क्षेत्रों में माइनस में टेम्परेचर, भीषण बर्फबारी किसी मुसीबत से कम नहीं है, और उस पर सड़कों को खुला रखना
सेना तक के लिए भी चुनौती बन जाता है। लेकिन इन सब समस्याओं के बाद भी सर्दियों में चार धाम यात्रा शुरू होती है तो ये उत्तराखंड के लिए क्रांतिकारी कदम माना जा सकता है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नप्रभात की रिपोर्ट।